नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोग मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? देखिए, मेमोरी जो होता है दोस्तों हमारा, यह होता है कोई भी सेट ऑफ रजिस्टर जो हमारा इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा को होल्ड करता है हमारा, उसको कहते हैं मेमोरी। क्या मेमोरी क्या काम करता है? यह होता है सेट ऑफ रजिस्टर और होल्ड करता है हमारा इंस्ट्रक्शन और डाटा फॉर प्रोसेसिंग। ये दो काम करता है हमारा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी जो होता है यह यूनिट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन बाइनरी फॉर्म। यह हमारा कोई भी स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को और डाटा जो होता है हमारा बाइनरी फॉर्म में, उसको यह किस फॉर्म में करता है? बाइनरी फॉर्म में करता है। यह क्या करता है? स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। यह जो होता है हमारा टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है जो हमारा यूज किया जाता है डिजिटल सिस्टम में। तो यह जो होता है रैम हो गया और रोम हो गया। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, देखिए यह देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी हम लोग किस तरह किए हैं। तो मेमोरी को हम लोग दो टाइप्स में किए हैं, ये देखिए रैम में किए हैं और दूसरा आप लोग देख रहे हैं वह रोम है। रैम और रोम, रैम जो हमारा डिवाइड, रैम जो होता है हमारा डिवाइड है, देखिए SRAM उसका है, फिर उसके बाद DRAM। रैम जो होता है हमारा दो टाइप में डिवाइड है, SRAM में और दूसरा जो होता है हमारा DRAM। रोम जो है हमारा डिवाइड होता है देखिए फोर टाइप्स में, कौन कौन वो देखिए, MAS की मास्टर रोम, पी रोम, उसके बाद ई प्रोम, उसके बाद डबल ई प्रोम। तो ये रोम जो होता है ये हमारा चार टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहला जो हमारा रैम होता है उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। देखिए रैम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि यह स्टोरेज करता है, स्टोरेज लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, क्योंकि इसका स्टोरेज लोकेशन जो होता है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। तो समझ गए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखिए इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद यह इसलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि यह एनी स्टोरेज लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। अब चलिए दूसरा पॉइंट चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट जो है हमारा कह रहा है कि जो प्रोसेस जो होता है स्टोरिंग का नया इन्फॉर्मेशन का, मेमोरी को रेफर करते हैं मेमोरी राइट इन्फॉर्मेशन। यह जो होता है हमारा मेमोरी राइट इन्फॉर्मेशन कहलाता है, मेमोरी राइट ऑपरेशन। कोई भी हम लोग इसमें जो होता है कोई भी प्रोसेस जो स्टोर करता है, जैसे कि हम लोग मेमोरी में जाते हैं, मेमोरी में जानते हैं यह स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो वह रेफर करता है मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट ऑपरेशन यदि होगा तो यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, वह प्रोसेस जिसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं कोई भी स्टोरेज इंफॉर्मेशन को मेमोरी से, उसको हम लोग मेमोरी रीड ऑपरेशन कहते हैं। देखिए पहले तो हम लोग मेमोरी राइट ऑपरेशन देखें, अब हम लोग यहाँ देखिए मेमोरी रीड ऑपरेशन देख रहे हैं। मेमोरी रीड ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा क्या देखा कि कोई भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन को, हम लोग ट्रांसफर, देखिए पहले हम लोगों ने स्टोर देखा, अब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी स्टोर इन्फॉर्मेशन को, तो उसको कहते हैं मेमोरी रीड, मेमोरी रीड ऑपरेशन। दो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक हम लोगों ने मेमोरी राइट ऑपरेशन की बात की है और दूसरा जो है हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन की बात की है। एक स्टोर का काम करता है और एक उस स्टोर डाटा को ट्रांसफर का बात करता है। जब ट्रांसफर की बात आएगी तो मेमोरी रीड ऑपरेशन का बात करेंगे और इसको हम लोग TR से याद करेंगे, क्योंकि ट्रांसफरिंग रीड, ये सब थोड़ा ट्रिक हो गया याद करने के लिए। अब देखिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है ये देखिए, रैम जो है परफॉर्म होता है रीड और राइट के लिए, दोनों प्रोसेस होता है इसका, रीड और राइट दोनों इससे होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसको हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान से देखिए इसका क्या काम है। बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए इसका यूज होता है, जिसके चलते इसको हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो यह थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रैम को जो होता है हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ये भी इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। ये भी रैम जो होता है हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है और इसको जो है इफ हमारा कभी कभी पावर जो है ऑफ हो जाता है तो स्टोर इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारा खत्म हो जाता है। कभी भी जैसे कि
कंप्यूटर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए अचानक से पावर ऑफ हो गया तो हमारे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन लॉस कर जाता है, तो उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी करते हैं। तो हम लोग सभी जितना भी हम लोग स्टोर करते हैं टेम्प्रोरी डाटा, वो रैम में करते हैं, ठीक है, जो हमारा डाटा मेमोरी कहलाता है। यदि हमको स्टोर नहीं करना है इसको, हम लोग यदि हम लोग टेम्प्रोरी डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं तो उसको हम लोग डाटा मेमोरी कहते हैं, ठीक है। डाटा मेमोरी की एक बार फिर से देखिए किसको कहते हैं। यदि हम लोग कोई स्टोर करते हैं टेम्प्रोरी डाटा कहाँ पे, रैम में, तो उसको हम लोग डाटा मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा मेमोरी। किसी भी हम लोग टेम्प्रोरी डाटा को स्टोर करते हैं उसको हम लोग डाटा मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैम। रैम के ये देखिए किस तरह उसको लिखते हैं, वो देखिए 2 to the power k क्रॉस क्रॉस n, इसको हम लोग होता है, यह जो है हमारा ये इसको डिनोट करते हैं। देखिए ये हो गया रैम, और इसके बाद ये एन डाटा लाइंस हो गया, ये की एड्रेस लाइन हो गया, रीड राइट हो गया, मेमोरी इनेबल और चिप सेलेक्ट। मेमोरी इनेबल को चिप सेलेक्ट भी बोलते हैं। ये जो हो गया हमारा की एड्रेस लाइन है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग बेसिक्स जाना जरूरी है, क्योंकि ये पिछला 1 to 3 चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें साइज जो होता है रैम का, वह 2 to the power k क्रॉस n होता है, जिसका मतलब होता है रैम जो होता है 2 to the power k मेमोरी लोकेशन और प्रत्येक मेमोरी साइज को कंटेन किए रहता है, ठीक है। और इसका कम्युनिकेशन जो होता है बिटवीन मेमोरी एंड अदर डिवाइस कैन बी अचीव थ्रू डाटा लाइन्स। इसका जो देखिए इसका कम्युनिकेशन जो होता है मेमोरी का और अदर डिवाइस का, उसको अचीव करते हैं हम लोग डाटा लाइन से। प्रत्येक डाटा लाइन जो होता है वो कैरी करता है 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए डाटा लाइन्स जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है हमारा? बाई डायरेक्शनल होता है। बट एट एनी टाइम डे दे एक्ट एज आइदर इनपुट और आउटपुट। वो कभी भी वह इनपुट और आउटपुट लाइन से काम कर सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग मेमोरी राइट ऑपरेशन, जब भी हमारे कोई भी मेमोरी राइट ऑपरेशन होता है तो डाटा लाइन जो होता है हमारा इनपुट लाइन की तरह काम करता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों यह आपको नोट्स भी मिल जाएगा, यहाँ पे समझिए। देखिए अब SRAM क्या होता है, स्टेटिक रैम और डायनेमिक रैम, उसके बारे में हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।